ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का 3 रोजा दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम हाउस आमद पर मियां शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम ने मौजूद मेहमान से वज़रा का तारुफ कराया, यौम अर्ज की मुनासबत से पौधा लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शरीक होंगे। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी सदर लाहौर और कराची का दौरा भी करेंगे। ज़िमन इलेक्शन का मैदान, नून लीग के नाम कौमी की 5 में से 2 और सूबाई की 16 में से 10 पर कामयाबी। पीपल्स पार्टी ने 1 कौमी और 1 सूबाई निश्चित जीती। कौमी की 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवार फाते। NA 119 लाहौर से नून लीग के अली परवेज मलिक, NA 132 कसूर से रशीद अहमद खान कामयाब। NA 196 कंबर शहदाद कोर्ट से पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो ने मैदान मारा। NA 44 डेरा इस्माइल खान से आजाद उम्मीदवार फैसल अमीन गंडापुर और NA 8 बाजोर से आजाद उम्मीदवार मुबारक जेब ने कामयाबी समेटी। हामियों का जश्न, भंगड़े डाले, हवाई फायरिंग भी की। ज़िमनी इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ी शिकस्त। PP 32 गुजरात से चौधरी परवेज इलाही भतीजे मूसा इलाही से हार गए। PP 158 लाहौर से मोनिस इलाही को नून लीग के चौधरी नवाज लधड़ ने शिकस्त दी। PP 36 वजीराबाद की सीट भी नून लीग ने छीन ली। अदनान अफजल चट्ठा 74,779 वोट लेकर कामयाब। बाजोड़ की कौमी और सूबाई असम्बली से भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हार गए। PP 149 लाहौर का मैदान, इस्तेहकामे पाकिस्तान पार्टी के नाम शुएब सिद्दीकी 47,722 वोट लेकर जीत गए। कारकुनान का जश्न, IPP सदर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी, अवाम के एतमाद का मजहर। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद, कहा मौशी बेहतरी के लिए इकदामात के नतायज आने लगे, पूरी दयानतदारी से कौम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। गैर जानिबदार और तेज रफ्तार कवरेज की रिवायत बरकरार। समा का ज़िमनी इलेक्शन का सबसे पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा नशर करने का एजाज। इंतखाबी मार्के की सबसे बड़ी कवरेज, नाजरीन को पल पल का हाल दिखाया, एक एक मंजर देखने वालों तक पहुंचाया। हालिया बरसों में CPAC मंसूबों पर रफ्तार सुस्त रवि का शिकार रही, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इतराफ। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बोले, CPAC के दूसरे मरहले में रेवेन्यू पैदा करने के लिए काम किया जा रहा है। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम से पहले मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम और महंगाई में कमी आ रही है। तवानाई लागत और बुलंद शरह सूद की वजह से सनअती शोबा दबाव में है। SIFC के जरिए बैरूनी सरमाकारी का इम्कान है। ईरानी सदर का दौरा, मतवक्के सऊदी सरमायाकारी और शरह सूद में कमी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 650 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 71,500 से ज्यादा सतह पर ट्रेडिंग। सिंध में तेल और गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ, कुएं से 2.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया गैस हासिल होगी। 1,040 बैरल खाम तेल यौमिया भी मिलेगा। गैस का कुआं 100% माड़ी पेट्रोलियम की मिल्कियत है। आप लोगों ने अदालत का मजाक बनाया हुआ है, केस दायर करते हैं तो चलाया भी करें, बार बार इल्तवा की दरख्वास्तें देते हैं। प्लॉट की मिल्कियत से मुतालिक केस में शहरी हुकूमत के मोहलत तलब करने पर चीफ जस्टिस बरहम, मेयर कराची और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को फौरी तलब कर लिया। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त, स्टेट काउंसिल ने 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी के वकला को आइंदा हफ्ते दलाइल देने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, कैद तन्हाई में रखना भी एक तरह का तशद्दुद है, चाहते हैं केस में ताखीर ना हो।
हुकूमत दहशतगर्दी का तदारुक, अमनो अमान की बहाली और ड्रग माफिया का खात्मा चाहती है। कच्चे में डाकुओं और कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। पहले भी अमनो अमान बहाल किया, अब भी करके दिखाएंगे। वजीर आला सिंध की एफएक्स कमेटी में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए शब्बीर गुज्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकारी राइफल छीनने, इकदाम कत्ल, पुलिस वर्दी फाड़ने और हमलावर होने समेत 10 दफात शामिल। खित्ते का चौधरी बनने के ख्वाहिशमंद भारत को मालदीप में धचका। भारत मुखालिफ सदर मुइजो की पार्टी को पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत मिल गई। गुज़िश्ता साल सदर बनने वाले मुइजो ने भारतीय अफवाज को मालदीव से निकलने का हुक्म दिया था। भारतीय फौज का आखिरी दस्ता 10 मई को मालदीव छोड़ देगा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, गरजते बरसते बादलों ने जिंदगी मफलूज कर दी। कई मकामात पर गाड़ियां पानी में बह गई। दरिया हुरियमाला और दरमा ज्यादा मुतासर हुए। जमीन से प्यार, प्लास्टिक से इनकार, अर्थ डे का पैगाम। दुनिया भर में आज जमीन का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सालाना K2 के 2 पहाड़ जितना 3 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा होता है। पंजाब हुकूमत का अर्थ डे पर प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। कीवीज का शाहीनों पर झपट करवा। न्यूजीलैंड की कमजोर तरीन टीम ने पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। तीसरे T20 में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 179 रन का हदफ, हंसते खेलते 10 गेंदे पहले हासिल कर लिया। मार्क ट्रिपमैन ने 87 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। नसीम शाह को 3 ओवर्स में 44 और शाहीन अफीदी को 37 रन की मार पड़ी। अबरार अहमद और शादाब खान का जादू भी नहीं चल सका। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड एफए कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद कोवेंट्री सिटी को पेनल्टी किक्स पर शिकस्त दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ट्रॉफी की जंग जारी। लिवरपूल ने फिलहम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। कई दहाइयों तक चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मोइन अख्तर की आज बरसी। नामवर फनकार को जहां पानी से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। यादगार किरदार, मद्दा आज भी ना भूल पाए।